हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। वर्ष भर में यह महानतम पर्व, यह विशेष अवसर आपके लिए, विशेष अवसर के रूप में आप इसको कैसे बदलें यह आपको समझना है। वैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो आएगी वह अक्षय तृतीया कहलाई जाएगी। बड़ा सिंपल है, प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन साल भर में एक बार यह समय जो आ रहा है ये विशेष है। ध्यान रहे, हमेशा महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि की संयुक्त रूप से उपासना कीजिए और करना। और इसलिए हम सबको भी चाहिए कि अगर हम धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं और हमें लगता है कि उसमें श्री की आवश्यकता है, तो हरि के साथ श्री का पूजन करें। तो निश्चित रूप से इस अक्षय तृतीया पे आप करते हैं तो आपको अक्षय रूप से उस फल की प्राप्ति होगी। विशेषकर महालक्ष्मी का अनुष्ठान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र जपें और फिर ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त का जो पाठ है, कनक धारा स्तोत्र का जो पाठ है उसको करें। और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर यह अनुष्ठान आप किसी जलाशय में जाकर, किसी नदी के तट पर जाकर और अगर कंठ भर जल में आप खड़े होकर के करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, संकल्प लेना है। 2 मिनट की वीडियो संकल्प की मैंने बना रखी है आपके लिए, छोटा संकल्प आप उसको देख लें और उसके बाद संकल्प करें। हाथ में जल लेकर के अपने पितरों के निमित्त, पितृदोष समस्या है, संतति से परेशानी है, आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्या है आप उसके निमित्त कीजिए। और मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको कि अगर विधिवत आपने यह काम कर लिया तो आप निश्चित रूप से इस समस्या से निजात पा सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चाहे आप गंगा में स्नान करें, यमुना में करें, छिप्रा में करें, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, जहां भी आप रहते हैं जल में आप स्नान करें। और खड़े होके नहीं कर सकते तो जल में बैठ करके ही आप श्री सूक्त का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो करमाला का विधान मैंने आपको बताया हुआ है, उसके लिए वीडियो बनी है, आप उस वीडियो को देखें। करमाला कैसे जपते हैं, आप हाथ में ही जप सकते हैं और एक पाठ श्री सूक्त का करना है। श्री सूक्त के लिए वीडियो बनी है, सरल है, बहुत तरीके से मैंने बता रखा है, आप उसको पाठ करें।